नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायस्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह और सीधे हम रुख करते हैं खबरों का। बेगूसराय में शराब बरामदगी को लेकर बनाए गए एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम ने सरसों के खेत में से करीब 100 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। टीम को सूचना मिली थी कि रतनपुर ओपी के डुमरी गांव स्थित सरसों के खेत में नए साल के जश्न के लिए शराब की खेप मंगाकर रखी गई है। सूचना मिलने पर छापेमारी, करीब 100 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया गया। बरामद शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। रात के अंधेरे में पुलिस सरसों के खेत में शराब ढूंढ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां खेत से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया। वहीं बाद में सिंघौल थाना और रतनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के खेतों की तलाशी ली। बरामद शराब को रतनपुर थाना ले आया गया है, जहां ASI संजय मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां से करीब 100 कार्टून शराब बरामद किया गया। हालांकि अभी तक कोई गिनती नहीं हुई है और लगातार शराब के खिलाफ छापेमारी जारी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस रात के अंधेरे में सरसों के खेत में जाकर शराब की तलाशी कर रही है, जहां से उन्हें भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद हुई है। ये बुरी कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर हुई थी। बिहार में लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। शराबबंदी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे थे, जिसे लेकर अब प्रशासन काफी चुस्त देखने को मिल रही है और लगातार इस तरह के अभियान चला रही है। राजा जो है 100 पेटी के आसपास होगा, कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन गिनाया नहीं। विदेशी शराब है, प्लास्टिक बोतल में बंद है, किसी पर बैच नंबर अंकित नहीं, लिखा हुआ है रॉयल टाइगर, किसी पर बैच नंबर अंकित, सब कोड सब वाज है 750 ml का। अभी हो सकता है, अभी हम लोग सर्च करेंगे, सर्च किया जाए, बोल दिया गया है, थाना भी आ रहा है।